सामने है टाटा टियागो। लेने तो मैं निकला था वैगनार। अच्छा, लेकिन वैगनार नहीं पसंद आई भाई, फिर पता लगा कि टियागो आ रही है आईसीएनजी के अंदर। ओके, तो उसके लिए वेट कर लेते हैं। बताऊं तो मिक्स है, मिक्स्ड है। कहीं ऐसा है कि भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कहीं ऐसा होता है कि यार इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। फैमिली कार था कि माइलेज मिलेगी। अच्छा, माइलेज ही नहीं मिलती। एक मतलब एक सिलेंडर के अंदर ही 150 किलोमीटर मैक्सिमम निकालती है बस। अच्छा, और यार देखो, यार ये देखो, फील देखो आप, वाकई में लगता है कि भाई किसी सॉलिड गाड़ी में बैठे हैं। आपके ना दो स्विफ्ट के दरवाजे मिल जाएंगे। सही कह रहे हो भाई, सच बता रहा हूँ। हेलो भाइयों, मेरा नाम है मोंटी मलिक और आपके सामने है टाटा टियागो, जिसको बोला जाता है लोल टियागो, जो कि आईसीएनजी में आती है। इसकी काफ़ी सारी खासियत है भाई, और मेन ये है कि ये सीएनजी सेगमेंट को हिट करती है, जहाँ पे आपको वैगनार, ग्रैंड आई टेन, नियोस और टाटा टियागो जैसे सीएनजी गाड़ी देखने को मिलती हैं। इस गाड़ी में खास बात यह है कि भाई इसमें बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको एवरेज भी मिलती है और सीएनजी का साथ भी मिलता है। तो आज इस गाड़ी का सारा ओनरशिप रिव्यू और ओनरशिप एक्सपीरियंस जानते हैं, जो कि अपने भाई हैं मिस्टर आशीष शौकीन। आशीष भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बिल्कुल। तो आशीष भाई की है नई नवेली टाटा टियागो, इन्होंने जो कि अभी हाल फिलहाल में ली है, ज़्यादा 4 महीने हो गए हैं। तो आज इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। आशीष भाई, अपना एक्सपीरियंस बताओ इस गाड़ी के साथ, कैसा है, कौन सी गाड़ी लेने आप मार्केट में निकले थे और कौन सी गाड़ी लेके आ गए, सारा एक्सपीरियंस बता दो टोटली। लेने तो मैं निकला था वैगनार। अच्छा, लेकिन वैगनार नहीं पसंद आई भाई, फिर पता लगा कि टियागो आ रही है आईसीएनजी के अंदर। ओके, उसके लिए वेट कर लेते हैं, तो इसके ऊपर स्टिक किया। और एक्सपीरियंस ओवरऑल मैं अभी तक का बताऊं तो मिक्स है, मिक्स्ड है। कहीं ऐसा है कि भाई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कहीं ऐसा होता है कि यार इससे खराब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अच्छा और खराब की बात आगे, तो पहले अच्छा ही गिनवा दो आप। अच्छा, ये सबको पता है भाई, अपने देश का लोहा है तो मजबूत लोहा, टाटा का लोहा भाई। तो आपके सामने है भाई, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, चाहे आप इसकी एक एक पैनल की बात कर लो, हैवीनेस की बात कर लो, ड्राइविंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस की बात कर लो, किसी भी चीज की बात करोगे आपको ये बेटर लगेगी हर कॉर्नर पे। जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको लगता है कि मतलब सेफ्टी फील है, मतलब फील होते है कि भाई आपकी सेफ्टी की जा रही है। हाँ, ना फील हो रहा है कि भाई आप सुरक्षित हो। यार एक तो इसके अंदर 1050-1100 किलो की गाड़ी है, बताओ। बिल्कुल, इतनी छोटी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, इस सेगमेंट में जैसे कि वैगनार आती है 700-800 किलो खत्म है। हाँ, वैगनार ग्रैंड आई टेन नियोस भी है। हाँ, हाँ, तो उसके कंपैरिजन में कैसी क्या पावर लगती है इसकी, आपने चला के देखी होंगी जब आप ड्राइविंग टेस्ट ड्राइवर। ओके, अब मैं तीनों का बता देता हूँ आपको। वैगनार इससे थोड़ी सी कम लगती है बिकॉज ऑफ द बॉडी स्टाइल एंड डिजाइन। ओके, और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। नियोस इससे तेज भागती है। नियोस तेज भागती है? हाँ, इससे बिल्कुल तेज भागती है, मतलब ये दिखती भी नहीं है, नियोस इससे बहुत तेज है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड गियर में ये लैग वैग ना। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी अपनी टियागो की, तो टियागो तो भाई देखो, अपने फर्स्ट गियर में आपको लगेगा कि यार ये उठ ही नहीं रही, चल नहीं रही, लेकिन जो टियागो लेता है ना फैमिली, मतलब फैमिली सोच के लेते हैं भगानी है तो स्विफ्ट ले दो यार, लेकिन इसको लेते हैं तो फिर लोग ये सोच के लेते हैं कि फैमिली कार है। फैमिली कार है, आपको माइलेज भी अच्छी देगी, और माइलेज अच्छी नहीं दे रही, यही तो रोना है भाई। क्या बात कर रहे हो भाई, और क्या। तो आपने जिस मकसद के लिए थी वो तो यही था आपका मेन, फैमिली कार था कि माइलेज मिलेगी। अच्छा, लेकिन माइलेज ही नहीं मिलती। एक मतलब एक पूरे सिलेंडर के अंदर ये 150 किलोमीटर मैक्सिमम निकालती है बस। तो भाई इसमें और वैगनार पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, सेम ही है? इसकी पेट्रोल की भी माइलेज यही है, 18 की माइलेज पेट्रोल में दे देती है और 18 की सीएनजी में दे रही है। तो भाई फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये है जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे। अच्छा, हाईवे पे ये मतलब दे देती है अच्छी माइलेज, अच्छी माइलेज, लेकिन सिटी के अंदर बिल्कुल ही खराब। तो भाई ने इसमें थोड़े बहुत अपनी मॉडिफिकेशन भी करवा रखी है अपने हिसाब से, ये प्रोजेक्टर वगैरह लगवा रखे हैं। हाँ, ये आते नहीं है प्रोजेक्टर, ये आईपीएच के प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं। जंग वगैरह लगेगा ये रस्टिंग वगैरह होगी यार, ये धुलती उलती नहीं है गाड़ी ज्यादा, इसलिए ये जंग सा लग गया इसके अंदर। चलो कोई नहीं यार, ये तो चीजें चलती रहती हैं। बाकी ओवरऑल कितने की पड़ी थी आपको? 7,60,000। 7,60,000 की ये एक्सटी सीएनजी, टॉप से एक नीचे वाली, टॉप से एक नीचे। बाकी आपके ये जो ड्यूल टोन करवा रखा है तो आपने बाहर से करवाया हो ना? ये बाहर से करवा रखा है, ये रैप नहीं है, ये ब्लैक पीपीएफ है। ओके, ब्लैक पीपीएफ होता है कि जैसे आप इधर देखते हो ना, एकदम मिरर फिनिश आती है, ऐसा लगता है ब्लैक ग्लास है। बिल्कुल, तो ये वो है। और यहाँ पे बात की जाए तो भाई आपको ना प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाता है आई सी एन जी। भाई देखो आशीष भाई, ये बताओ जैसे कि एस सी एन जी वैगनार मतलब मारुति वाले देते हैं, आई सी एन जी में डिफरेंस क्या रहता है इनमें? देखो आई सी एन जी के दो चार फायदे हैं, एक तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसका रीजन क्या है
कि आपके यहाँ पे ये जो फ्यूल लिड आती है हाँ। वो जल्दी जल्दी सीएनजी भरेगी आपकी। ओके। अगर नॉर्मल गाड़ी आपकी 2 मिनट ले रही है तो एक मिनट लेगी, आधा टाइम लेगी भरने। सही है यार। दूसरा मैं आपको भी डिक्की खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर दो कट ऑफ जगह आते हैं, जो कट ऑफ की जो जगह होती है ना वो इसके अंदर दो जगह है। एक तो आपके सिलेंडर में होता है, यहाँ पे तो सबका होता है, देखो एक सिलेंडर पे है यहाँ पे कट ऑफ, हाँ, और एक कट ऑफ आपका इंजन पे है। ओके। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने अपना इंजन ऑफ किया तो आपकी जो गैस पाइपलाइन है वो बंद हो जाएगी। वो सेफ्टी पर्पस से भी ठीक है ना। तीसरा, इसके अंदर जैसी कुछ आग लगने की संभावना होती है, ऐसी कुछ बात होती है, तो फिर आपकी ये जो कहीं इनकी इसके अंदर एक डिफ्यूसिव पॉइंट्स होते हैं। ओके। अगर कहीं से भी आग लगने की कोई इशू लगता है तो फिर वहां से सारी गैस लीक होकर हवा में चली जाएगी, तो सेफ्टी है। दूसरा, आप इस गाड़ी को पेट्रोल से सीएनजी से पेट्रोल एक क्लिक पे कर सकते हैं और पता भी नहीं लगेगा। जैसे वैगनार में क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा, ये डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है अगर आपके पास जीरो पेट्रोल है तो। जीरो पेट्रोल, वेरी गुड। पेट्रोल की जरूरत भी नहीं है, वो तो ठीक है भाई। इसलिए इसको आईसीएनजी कहते हैं। बट जैसे वैगनार अगर आप लेते हैं, आप पछतावा नहीं हो रहा आपको कि कुछ मतलब कुछ स्पेस नहीं मिल रहा उसमें? तो यार कम से कम आप 3-4 लगेज रख लेते हैं सीएनजी के बाद भी। तो यहाँ पे भी मैं 2 झोले रख सकता हूँ यार, कोई स्पेस नहीं है। बट मजाक से हटके इसके अंदर अगर स्पेस बनानी है आपको तो यहाँ से बनेगी भाई। दिखाओ ये जो चीज है आपकी, यहाँ से कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे 60-40 स्प्लिट्स वो है क्या सीट? नहीं 60-40 नहीं, एक बार हेल्प करना भाई वहाँ से उठाना ये। तो भाई यहाँ से ये उठा तो दिया है। अरे भाई यार। तो यहाँ अच्छा ये स्पेस है भाई, अब दिख गया स्पेस। ओ भाई चलो ये भी ठीक है, डीजल यहाँ रख सकते हो आप अपना। ओके। ये देखो यहाँ काफी है, ये देखो डिफरेंट है, मतलब एक दो लगेज तो आ जाएगा। लेकिन एक्सेस का तरीका यही है इसका, और कोई तरीका बहुत अनकंफर्टेबल है इसमें। जुगाड़ू काम नहीं है, कंपनी ने बताया ये सच में, ये कंपनी। हाँ हाँ, तभी तो उन्होंने जो सीट्स हैं कुछ इस तरीके की स्प्लिट दे रखी हैं कि आराम से अपना पीछे यहाँ से, और स्टेपनी निकालने का भी रास्ता यही है। तो स्टेपनी में भी आपको सेम टायर साइज मिलता है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन निकलेगी यहीं से, निकलेगी यहीं से, वहां से कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत है इसके अंदर भाई, मेहनत है। तो चलो एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बाकी बाहर से तो हम देख ही चुके हैं। ऐसी कुछ अपनी लोड टियागो है, देखो आप इसकी डिक्की करके देखो यार, मतलब बहुत ही अहम चीज है। हाँ ये तो है यार, मतलब अगर जैसे जिस हिसाब से बंद होती है ना बहुत साइलेंट हुई है, मुझे लगा कि खुली नहीं रहेगी। तो गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना तो सबसे पहले भाई इसके डोर्स वाकई में हैवी भाई, डैम्पिंग वगैरह करवा रखी क्या? अच्छा और यार देखो यार, ये देखो फील देखो आप, वाकई में लगता है कि भाई किसी सॉलिड गाड़ी में बैठे हैं आपके, है ना? 2 स्विफ्ट के दरवाजे बन जाएंगे एक। सही कह रहे हो भाई, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी डैम्पिंग करवाने के बाद इतनी हैवी नहीं है जितनी कि आपकी वैसे है। इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करा रखा मैंने, बहुत अच्छी बात है भाई। और बाकी से गाड़ी को ऑन करते हैं तो बिल्कुल साइलेंटली ऑन हो गई है, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है। हाँ, ऑन करने का मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे आप ऑन करते हो ना इसमें सीएनजी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। एक मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये देखो लाइट जल रही है यहाँ पे, यानी ये सीएनजी के अंदर है, और इसको ऑफ कर दो तो ऑफ पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया। और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा मीटर के अंदर आ जाता है कि पेट्रोल पे हो गया या किस पे हो गया। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो सीएनजी मोड एक्टिव, सीएनजी मोड एक्टिव हो गया। हाँ, और अब ये पेट्रोल हट गया। हाँ, ठीक है। अब उसका एक और तरीका है पहचानने का, एक बार यही दिखाओ आप। जब आप पेट्रोल पे करते हो तो आपको यहाँ पे एवरेज दिख रही होगी 10.6, जैसे ही आप सीएनजी पे करोगे एवरेज हट जाएगी। अरे वाह, तो एक और तरीका है पहचानने का कि सीएनजी पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है। तो आशीष भाई कितनी किलोमीटर चला दिया आपने अभी? 7,000 किलोमीटर 7,000 चला दी 4 महीने, नॉट बैड यार। हाँ मतलब चलती है तभी लिए, चलती है। और भाई देखो चला के से चल रहे हैं ना रोड पे, तो अभी देखते हैं कैसा क्या रोड प्रेजेंस वगैरह है। सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं भाई, सेफ्टी फर्स्ट, मतलब टाटा सेफ्टी का वादा तो करता है यार। ये देखो ये चीज तो माननी पड़ेगी आपको, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आपने ये चीज कंसीडर नहीं की कि जैसा बताते हैं कि भाई टाटा का जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा, पर इतने साल चलानी नहीं ना, ये बात भी है, जवानी में बेच देंगे इसकी विदाई कर देंगे जवानी में। सही बात है भाई, अपने 2-3 साल चलाओ और यूटिलाइज करो और उसके बाद बेच दो। 3-4 साल चला के आप कोई भी गाड़ी बेचोगे, एक तो उसकी वैल्यू अच्छी मिलती है, ठीक है, या तो चलानी है तो एकदम खत्म करके छोड़ो या फिर उसको भाई 5 साल तक चला के अपनी बहुत होती है, 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चल जाएगी और तब तक गाड़ी कोई तकलीफ नहीं देगी मेरे को, जितना मेरे को पता है नहीं देगी। तो भाई ये ऐसा कुछ अपना ग्लव बॉक्स वगैरह देखा जाए तो भाई डिसेंट स्पेस है। हाँ डिसेंट है और सॉफ्ट क्लोज के साथ खुलता है। हाँ सॉफ्ट क्लोज है यहाँ पे देखो,
मतलब छोटे छोटे जो चीजें ना उन पे सब पे फोकस हाँ। किया उन्होंने। जैसे आप वैगनर देखते ना 8 लाख के आसपास वही मिलती है आपको, VXI वगैरह लोगे तो LXI ही 60 के आसपास की है, 40-50 हाँ ऐसी कुछ है। तो यार इसमें देखो नॉट बैड, इंटीरियर वगैरह वाइज बात करो तो भाई बिल्ड क्वालिटी देखो सॉलिड है, बिल्कुल क्रोम वगैरह मतलब जो ब्लैक पियानो फिनिश होता है, मतलब डैशबोर्ड वगैरह सारा मतलब मस्त कॉम्बिनेशन बना रखा है हाँ। पर थोड़ा स्पेस प्रीमियम लगती है, हाँ, प्रीमियम लगती है। आप चाहे इसको ग्रैंड आइटन से भी कंपेयर करोगे ना तो उसके टक्कर की लगती है, उसके टक्कर की लगती है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह ये सारे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलता लेकिन हाइट एडजस्टमेंट है ना वही इनफ है यार। उसके अलावा बाकी आपको मिरर एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाती है, मतलब बेसिक सारे फीचर्स आपको दिए गए जो कि नॉर्मल गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। स्टीयरिंग बहुत लाइट है इसका और क्लच तो एक्स्ट्रा लाइट है। अब क्लच में एक दिक्कत भी है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से अगर आप देख पाओ तो, ये इतना लाइट क्लच है ना मतलब हद से ज्यादा। अब इसके साथ एक प्ले भी मिलता है, प्ले बोले तो ये देखो। अच्छा अब ये क्या चीज है भाई, पता नहीं यार ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया सर। मैंने मेरे को डाउट था ये मेरी गाड़ी में या सब में है यार, ये मैंने चेक नहीं किया, मुझे चेक करना पड़ा अपनी गाड़ी में। नहीं आपका टाटा है? नहीं भाई मारुति है, टाटा में होता है ये। अच्छा, अच्छा। मारुति में नहीं आएगा ये, इसलिए होता ना कि आपका क्लच अटक ना जाए इसके वापस खींच के पीछे ले आओ। भाई टाटा वाले तो कुछ भी बहाना बना सकते हैं सेफ्टी के लिए तो। और दूसरा इसके स्विचेस वगैरह देखो बड़े प्यार से सॉफ्ट डैम्प के साथ आते हैं बिल्कुल। अब थोड़ी सी भाई बुराई की भी बात कर लेते हैं बिल्कुल, अब अच्छाई तो बता दी। पैनल कैप एक तो इसकी बुराई की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो नेग्लिजिबल पॉइंट्स हैं। एक तो पैनल गैपिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ देखो आपको कोई गैप नहीं दिख रहा है ना, अब उस तरफ वाले में देखो। अच्छा है ना, ये देखो भाई आपके सामने है, सामने है सब कुछ गैपिंग है, हाँ। पैनल का गैपिंग तो दूसरा है। इसके अंदर वाइब्रेशंस है। अच्छा। आप एक बार गियर को देखना, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, हाथ हटा लो आप, अब गाड़ी गियर कैसे वाइब्रेट करता है आप देखना। अरे है ना भाई, मतलब अगर ये बड़ी गाड़ी होती ना स्कॉर्पियो वगैरह होती हाँ, तो हाँ, हम मान भी लेते हाँ। इसमें थोड़ा सा मतलब अब स्मूथ है बट स्टार्ट होती जब जब करता है हाँ। और भी कई चीजें देखो, यहाँ पे कोई गैप नहीं है ठीक है। अब आप अपनी तरफ देखो, ये वाला एरिया यहीं से देखो ना। अच्छा ये रहा अच्छा ये देखो हाँ। यहाँ पे गैप है आपको ठीक दिख रहा है ठीक है हाँ। आपको क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे देखो काफी देखो छोटी मोटी चीजें हैं, बट अगर देखो अगर ये हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा ना कुछ हाँ। तो ठीक है यार, प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो ठीक है, लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं लगता बस थोड़ा हाँ। यार इतनी बट भाई इतने डीप देखता कौन है, ये भी तो ना अगर आप ओनर हो तो देख पाओगे हाँ, ओनर है आप बैठे आपको नहीं पता लेकिन मेरे को पता ही बात है हाँ, अगर आप ओन करोगे ना गाड़ी को आप तभी वो चीजें पहचान पाओगे, ऐसे नहीं पहचान सकते आप ऐसे ही। इसके अंदर बाहर भी बहुत सारी पैनल गैपिंग है, पीछे लाइटों का हुलिया बिगड़ा हुआ है कि एक लाइट एक पीछे की हेडलाइट टेल लैंप इधर है एक इधर है। तो ये जो बाकी म्यूजिक सिस्टम आ रहा कैसा लगता है आपको उसका भाई, ये नाम ही बता देगा आपको कैसा लगता है, हरमन सही है भाई, भाई गजब म्यूजिक सिस्टम है, मतलब इसमें कोई ट्विटर नहीं आता इसके अंदर, टॉप मॉडल में आता अच्छा, है दे रखे ये डमी है, डमी है। ओके। तो चार स्पीकर है लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर बहुत बढ़िया है। मेरे को कई लोगों ने बोला कि इसके अंदर टच स्क्रीन लगवा लो, लेकिन भाई वो जो मैं टच स्क्रीन लगवाऊंगा ना आपकी चाइनीज उसमें भाई क्वालिटी नहीं है भाई ऑडियो, वही मैं इसीलिए नहीं बदलवा रहा, उसका रीजन ये है कि अगर वो हमने लगवा ली तो इसके JBL की जो स्पीकर या तो आपकी कंपनी का स्टॉक कैमरे के लिए मैंने फिर ये लगवा लिया था। अच्छा हाँ सही क्वालिटी आती है इसमें, शायद आ नहीं पाएगा मतलब मेरी तरफ एंगल है ना, हाँ दिख रहा है मुझे दिख रहा है, मेरे को यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्योंकि ब्लैक मिरर होता है। ओके ओके आपको तो पता ही है। तो भाइयों ये सारा एक्सपीरियंस आज हमने आशीष भाई से जाना है और इन्होंने अपने सारे जो भी क्वेश्चंस वगैरह डाउट वगैरह थे सारे बता दिए कि भाई ये अच्छी चीज है ये बुरी चीज है। और बाकी यहाँ पे डोर पैनल्स की कुछ बता रहे थे भाई आप, भाई डोर पैनल की प्रॉब्लम क्या है, जब ये एक तो ये तो जब दरवाजे बंद कर देते हैं ना हाँ। तो अंदर हाथ नहीं जाता, ओके खोल के ही आपको समझ, जैसे स्कॉर्पियो में होता था पुराने वाली हाँ, हाँ। सेम वही कहानी है। और इसके अंदर 1 लीटर की भी बॉटल नहीं आ सकती, साफ मेंशन है 0.5 लीटर, यार आधा लीटर तो ये बंदा एक घूट पी जाएगा, जबकि पीछे वाले के लिए पूरी 1 लीटर आएगी। ओके तो ये थोड़ा सा पार्शियलिटी कर रखी है ना। और जो लाइट्स का था वो मैं आपको ये दिखा रहा था, देखो ये देखो यहाँ पे गैपिंग देख लो आप एक बार, अब ये तो मैंने भाई देखो ये मैंने तो नहीं कर रखा कुछ, ये अपने आप हो रखा है, अब इधर गैपिंग देख लो, इधर नहीं इधर कम है, है ही नहीं है ही नहीं, इधर थोड़ा सा तो है यार, 19-20 है ना, ये सब चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी भाई टाटा टियागो में।
मुझे नहीं लगता कि भाई कोई और क्वेश्चन बचा होगा। अगर आपके मन में स्टिल अभी भी कोई क्वेश्चंस वगैरह लेफ्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आशीष भाई के चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप विजिट करो, भाई से सारे सवाल जवाब करो, आपको भाई सारे सवालों के जवाब देंगे। और थैंक यू आशीष भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ऐसी गाड़ी चलाते रहो, एंजॉय करते रहो। अभी के लिए भाई इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द।